हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुकेश राइटर। तो आज की वीडियो आप देखेंगे कि जेएस नेट लेकर काफ़ी जो प्रॉब्लम समस्या आ रही है उसको हम एक एक ही करके आपको बताने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं कि किस प्रकार से ये समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें। तो आप देखेंगे क्या क्या समस्या है, मैंने कॉपी पर नोट कर रखा है। तो सिंपली आपको क्या करना है तो देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि मेन प्रॉब्लम रहती है कि मासी सेम ईयर फ्रेंड, यानी कि जो मार्कशीट है, एक मैसेज आया था, एक कमेंट आया हुआ था आज कि भाई जो मार्कशीट है, पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो मार्कशीट है वो दोबारा से जैसे कि 2019 और 21, ठीक है, 19-20 में हुआ होगा एग्ज़ाम, 19 से लेकर 21 वाला, 19-20 का उसका जो मार्कशीट है, ये सब मैं बता रहा हूँ ओनली जेएस यूनिवर्सिटी सिकोवाद के लिए, ठीक है। किसके लिए ये बता रहा हूँ मैं, जेएस यूनिवर्सिटी सिकोवाद के लिए, एसकेबी। तो यहाँ पर देखेंगे जो 2019 और 21, जो 2019 और 21 सेशन में सेम प्रिंट हो गई है, सेम प्रिंट। तो आप क्या करेंगे कि यूनिवर्सिटी में जाकर जो भी चीज़ें गलत हो चुकी हैं उनको आप सही करवा लेंगे, ठीक है। जैसे कि सेम प्रिंट वैसे होती नहीं है, लेकिन अलग अलग जैसे एक जैसे 23 अगर 19 का आया तो 19 में होगी प्रिंट, और ये इशू डेट 19 वाली तो 19 में और 21 वाली 21 में ही होती है। अगर हो जाता है तो आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट रहेगा कि दूसरा पॉइंट ये है, जैसे आप देख सकते हैं कि दूसरा पॉइंट बी सी ए में क्या डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो यहाँ पर एक दूसरा मैसेज यही है कि बी सी ए में डायरेक्ट एडमिशन होता है। हाँ, ये डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं बी सी ए में, जो बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, इसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद है कि डेट शीट कहाँ से डाउनलोड करें। तो डेट शीट डाउनलोड करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि jsu.edu, यानी कि जैसे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा कि, या फिर उस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्टली वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि डेट शीट कहाँ से डाउनलोड करें, तो वहाँ से आपको जाना है नोटिस बोर्ड पर। नोटिस बोर्ड पर जाने के बाद आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे काफ़ी वीडियो डले हुए हैं चैनल पर जिससे कि आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वहाँ से आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि मैं स्टेप बाई स्टेप क्लिक करके जाता हूँ, उसी प्रकार डाउनलोड करता हूँ, उसके बाद उसको वीडियो क्रिएट करता हूँ, तो उसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कॉलिंग नंबर, जैसे कि मैंने कॉलिंग नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और वो कॉलिंग नंबर है 7247844513। इस पर ओनली आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि कॉल नहीं लगेगा। ये एक कॉलिंग नंबर नहीं है, ओनली ये एक व्हाट्सएप नंबर है, यानी कि ओनली ये व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, जैसे कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब है कि बीएड का एग्ज़ाम प्रॉब्लम, जैसे कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स बिहार से बिलोंग करते हैं, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि भाई जिन्होंने जो एजेंट के थ्रू, ठीक है, यानी किसी भी टीचर यानी जो बिहार से जुड़े हुए हैं यूनिवर्सिटी से, उनके द्वारा लिया गया एडमिशन, उनके द्वारा ही एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। वो आके आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आकर एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो जो वहाँ के टीचर्स हैं, ठीक है, जो बिहार से जुड़े हुए हैं यूनिवर्सिटी, जेएस यूनिवर्सिटी से, वही आपको यहाँ पर बुलाकर लाएंगे और आपको एग्ज़ाम करवाएंगे। ये है बात, ठीक है। तो बीएड एग्ज़ाम प्रॉब्लम यही है, और काफ़ी लोगों का रिजल्ट प्रॉब्लम है। तो आप जेएस यूनिवर्सिटी रिजल्ट डालकर उसमें इनवैलिड एंट्री या जैसे कि रिजल्ट नॉट अपलोडेड, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको फेस करने के लिए आपको कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट के मेन चीज़ होती है कि भाई अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एनरोलमेंट नंबर, अपना कोर्स और सेशन, ठीक है, सेशन, सेशन के बाद जो भी कोर्स है, कोर्स में कौन सेमेस्टर है, और
सेमेस्टर के बाद वहाँ पर रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर और एक डेट ऑफ बर्थ मेन चीज होती है। ये चार पांच चीजें होती है जो आपको क्लियरली उसमें फिलअप करना है। अगर आप उसमें क्लियर फिलअप नहीं करेंगे तो आप अपना रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। तो मेन चीज होती है कि आपको, मैंने काफी वीडियो में बताया भी है कि आप रिजल्ट कैसे दे सकते हैं, किस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे मैंने काफी चीजों में बताया हुआ है, काफी वीडियोस में भी बहुत ही वीडियो अपलोड किया हुआ है कि भाई रिजल्ट आ चुका है, ये इसका FS यूनिवर्सिटी का रिजल्ट, भाई काफी प्रॉब्लम थी तो उसका भी मैंने रिजल्ट आपको बनाकर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि ये डाउट थे जो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ कि मार्कशीट सेम ईयर प्रिंट क्यों होती है, कैसे हो गई, या BCA में डायरेक्ट एडमिशन होता है, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, डेट शीट कहाँ से डाउनलोड करें ये भी मैंने आपको बता चुके हूँ, कॉलिंग नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, कॉलिंग नंबर नहीं है वो, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। फिर बी एड एग्जाम का मैंने प्रॉब्लम भी बुक क्रिएट कर दिया है। और एक नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, हमें क्राइट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और या फिर जो भी स्टूडेंट UP से है वो डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटी में आकर हमारे नंबर के थ्रू यानी कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली मिल भी सकते हैं और उनका एडमिशन भी करवा सकते हैं। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि आप तक सही सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने 10,000 सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दिया है, इस प्रकार से आप आगे सपोर्ट करते रहें, धन्यवाद। और आगे अगर सपोर्ट करेंगे तो आपको अच्छी से अच्छी जानकारी जल्द से जल्द मिलेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।